अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल अबीहा ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो रेमेडी बताने वाली हूँ वो है बच्चों के लिए। आज मैं आपको एलोवेरा से बच्चों के लिए वाइटनिंग रेमेडी बताऊँगी। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके यूज़ से इंशाल्लाह आपके बच्चों का रंग तेज़ी से वाइट हो जाएगा। आप इस रेमेडी को चेहरे से लेकर पाँव तक बच्चों को लगा सकते हैं। छोटे बच्चे, दरमियानी उम्र के बच्चे और आप खुद भी ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चार इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ये इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही मौजूद हैं। आप किचन में जाएं, आपके घर से ही आपको बरामद हो जाएंगी। इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। एलोवेरा आपने फ्रेश यूज़ करनी है क्योंकि मार्केट से मिलने वाली एलोवेरा जेल में केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चों की स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब आते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। मैं आपको रेमेडी बनाने का तरीका बताती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। आपने सबसे पहले फ्रेश एलोवेरा जेल का छोटा सा टुकड़ा लेना है। अब आपने छुरी की मदद से एलोवेरा जेल निकाल लेना है। बहुत ही आसान तरीका है इसको निकालने का। अक्सर लोगों को इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है कि वो इसके जेल को कैसे निकालें, तो मैं आपको ये तरीका भी बता देती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये जेल निकल सकता है। अब इस जेल को निकालने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये मैंने ग्राइंड करके रख दिया है। अब आपने इसमें से 2 चम्मच एलोवेरा जेल निकाल लेना है। इसके बाद हम अपने सेकंड इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं और वो है ग्लिसरीन। अब आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन स्किन की यूज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ रखती है। बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसके लिए ग्लिसरीन बेस्ट है। ग्लिसरीन स्किन को फ्रेश और सॉफ्ट रखती है। आपने ग्लिसरीन आधी चम्मच एलोवेरा जेल में शामिल करनी है। अब आते हैं अपने थर्ड इंग्रेडिएंट की तरफ और वो है बादाम का पेस्ट। अब इसके बाद आपने बादाम का पेस्ट डालना है। आपने बादाम को अच्छे तरीके से पीस लेना है। बादाम को इतना ज़्यादा पीसना है कि बादाम का पेस्ट नरम और मुलायम हो जाए, बिल्कुल इसी तरह जो आपको नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी बादाम पीसा हुआ ले सकते हैं। इसमें आपने बादाम का आधा चम्मच डालना है। अब आते हैं अपने आखिरी इंग्रेडिएंट की तरफ और वो है बेसन। आपने 1 चम्मच बेसन का डालना है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके अलावा आपने इसमें और कुछ नहीं डालना। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें।
ये देखें मैंने मिक्स करके आपके सामने रखा है। ये आपका पैक क्लींजर स्क्रब बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस पेस्ट को स्टोर भी कर सकते हैं, आप फ्रिज में 4 से 5 दिन स्टोर करके रख सकते हैं। जब ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा से बना सकते हैं। बच्चों को काबू करना बड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए बेहतर आप ये है कि पेस्ट बनाकर रख लें ताकि आप 4 या 5 दिन आराम से कर सकें। अब मौसम सरमा आ रहा है, अब इसको फ्रिज के बगैर भी रख सकते हैं। इस पेस्ट को डब्बी में डालकर रख लें। स्किन का जो भी डार्क एरिया है आपने वहाँ पर ये पेस्ट लगाकर मसाज करना है। कोहनी हो गई, घुटने और पाँव की एड़ियाँ, इसे आप हर जगह जहाँ पर डार्क सर्कल हैं यूज़ करें। आप इसे फुल बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बच्चों का कलर तेज़ी से वाइट होगा, बच्चे जाहिर हैं धूप मिट्टी में खेलते हैं, तो आपने थोड़ा सा इस पैक को लेना है, बस 1 मिनट के लिए आपने मसाज करना है। और 1 मिनट मसाज करके छोड़ देना है। आपने 3 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर 3 मिनट के बाद आपने वॉश कर लेना है। आप खुद बच्चों की स्किन पर अप्लाई करके हैरान होंगे, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। ये छोटी सी रेमेडी है, इसमें सिर्फ 4 मिनट का यूज़ करना है। 1 मिनट आपने मसाज करना है और 3 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर आप इसे वॉश कर लें। आपने बच्चों को 1 दिन छोड़कर 1 दिन अप्लाई करना है। ये आपके बच्चों को सर से पांव तक निखारने के लिए है। ये बहुत ज़बरदस्त सा पैक है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये आप अपने सामने देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है, ये सिर्फ एक दफ़ा लगाने से हुआ है। उम्मीद है मेरी ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये रेमेडी आप लाइक ज़रूर करें और दूसरों से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे भी इस रेमेडी से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि मदर्स को इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहलाने से पहले आप 1 मिनट बच्चों का मसाज कर दें, यकीन करें इससे स्किन बहुत सॉफ्ट और नरम, मुलायम और गोरी हो जाएगी, स्किन भी शाइन करेगी। तो फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।